ठीक है, वो आपका भी डिफाइंड हो गया। अब सेकंड आपकी हार्ड डिस्क है, बट मैं यहाँ पे मेरे पास में मैं यह चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क ही लोड हो यहाँ पे, क्योंकि जब फर्स्ट बूट डिवाइस अगर आप इसको बना देते हो और आपके पास सीडी कुछ है, बूटेबल नहीं मिलती है, तो उसको लोड कर देते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन मेरा ये है कि जब आप फर्स्ट बूट ऑर्डर डिफाइन करोगे सिस्टम का, तो आप पहले ये बताओगे कि आप सबसे पहले किसको लोड कराना चाहते हो, हार्ड डिस्क को या फिर यूएसबी या फिर सीडी रोम। ठीक है, ये ऑप्शन आते तब काम करते हैं जब आप विंडोज इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तभी काम करेंगे, काम तो हमेशा ही करते हैं, बट मेन काम तब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या रखता हूँ, बाद में भी इसी उसमें सीक्वेंस में लोड करते हैं फिर ये। हाँ, सेव हो जाते हैं सेटिंग से, जैसे हम फोन में सेटिंग सेट कर देते हैं वैसे ही सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा, अगर अगर आपके पास उस टाइम कंप्यूटर में सीडी नहीं है तो उसका टाइम वेस्ट करेगा वो, पहले उसे रीड करेगा, अगर नहीं मिलता तो फर्दर भी जाएगा, फर्दर भी जाएगा, मतलब और आपको उतना पता नहीं था वो कितना टाइम ले रहा है, चेकिंग करेगा मिलता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पीस हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ बूट ऑप्शन देखता है, इसकी जो बूट की सेटिंग होती है नॉर्मल जो बूटिंग बोलते हैं वो चीज देखता है। नॉर्मल सिस्टम पे जैसे बात कर रहा हूं उसमें क्या सेटिंग है, डिपेंड करता है जो दे रहा है आपको सिस्टम, बट वो वैसे भी इसी को देता है, हार्ड डिस्क को देता है, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क को ही करता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हार्ड डिस्क किसी भी चीज की पता नहीं होती है, इसलिए वो हार्ड डिस्क को प्रायोरिटी देता है फर्स्ट। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं इन केस कभी आपने यूएसबी को लगा दिया और आपको पता ही नहीं है, तो बार-बार वो उसी चीज को लोड करेगा। जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो ना, इस चीज़ का बहुत मैटर करता है, आपको तो पता करते रहते हो विंडोज इंस्टॉल में, अगर हम किसी चीज़ को फर्स्ट बूट डिवाइस बना देते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता है, बार बार रिस्टार्ट होता है, जब सिस्टम आपका बार बार रिस्टार्ट होगा, वो सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है फर्दर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपकी विंडो से। ठीक है, बट अब रिस्टार्ट होगा वो तो दोबारा से वो उसी लेवल से स्टार्ट करेगा, वो वहां पे नहीं जाएगा जहां पे आपने स्टार्टिंग में कदम किया था, वो क्या करेगा शुरुआत से करेगा उसी चीज को। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये चीज और कम यूज करते हैं, जिनको आइडिया होता है ठीक है, जिनको आइडिया नहीं होता तो इन चीजों को हम कम यूज करते हैं। उसके साथ में उन्होंने एक ऑप्शन कॉल दिया है जिसे बोलते हैं बूट ऑप्शन, जो मैं आपको बता रहा था ना F12 या F10 या डिलीट। ठीक है, इसकी सेटिंग को सेव करना है, यहाँ पे हम यूएसबी रखते हैं, सी यूएसबी को और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव करने के लिए किधर के F10 फंक्शन की में F10 प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग्स को सेव कर लेगा और आगे फिर इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कर दो कंफर्मेशन, ओके इसने पेन ड्राइव को लोड करना स्टार्ट कर दिया और आपके पास में जो हार्डवेयर है ना स्टार्टिंग वो यही से है। ये कांसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया था, इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप फर्स्ट बूट डिवाइस और सेकंड बूट डिवाइस में क्या अंतर है। वैसे नॉर्मली आप जो उतने काम किए आपने उसकी वजह एक और ऑप्शन आता है, जब स्क्रीन ऑन करते हैं सिस्टम बोल करते हो आपके पास कुछ मैसेज प्रेस होते हैं बूट, बूट के आगे कुछ कमांड होती है F10 डिलीट जो भी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे क्या होगा वो सिर्फ उसी टाइम पे काम करेगी, हमेशा काम नहीं करेगी, और सीक्वेंसिंग सेटअप में आगे करेंगे तो वो आगे भी काम करेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले विंडो का बता दूं मैं थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, आपके पास में विंडो 7, 8 या 10 जब आप किसी कंप्यूटर से शॉप पे जाते हो या फिर आप जब सिस्टम को परचेज करते हो तो वो आपको लोड करके देते हैं पहले से। ठीक है,
और जो आपकी वारंटी होती है उसको वो कवर भी करते हैं कि वारंटी के टाइम पे अगर आपके सिस्टम में विंडो की प्रॉब्लम होगी बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी तो वो विदिन उसी में सब कुछ कर देते हैं। लेकिन जैसे आउट ऑफ वारंटी होती है सारी चीज़ें और आपकी विंडो भी दर्द हो जाती है, पहले क्या था कि वो पहले आपको वो देते थे सीडी की डिस्क देते थे साथ में, तो सीडी को आप बार बार यूज करते थे, ठीक है, उस पर एक यूनिक की होती है प्रोडक्ट की, ठीक, तो वो प्रोडक्ट की होती है और प्रोडक्ट की आपको ये प्रोडक्ट की आपको ये आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वैलिड है और आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से परचेज किया है उसे, ठीक है। आप विदाउट प्रोडक्ट की के सिस्टम को यूज कर सकते हो सिर्फ 30 दिन जो ट्रायल वर्जन हो ट्रायल आप वहाँ तक यूज कर सकते हो विदाउट प्रोडक्ट की, ठीक है। इसलिए वो सारी चीज़ें स्किप करने का भी ऑप्शन आता है, स्किप कर सकते हो कि वो अगर आपके पास में नहीं है तो 30 दिन तक आप यूज कर सकते हो, बाद में आपके पास में मैसेज आते रहेंगे मैसेज इन द सेंस वो आपके पास सामने फ्लैश करता रहेगा जब विंडोज इज नॉट जेन्युइन विंडोज एक्टिवेट वो सारे आपके ऐसे वो आते रहेंगे आपके पास फ्लैश आते रहेंगे, ठीक है। ठीक है तो सबसे पहले वो तो आपको सीडी बना देते हैं बना के दे देते हैं, लेकिन जैसे आप आउट ऑफ वारंटी लाएंगे और दुकान पे जाते हो आप तो वो आपको कोई जेन्युइन नहीं देता है। जेनरल विंडो कितने की पड़ती है? 3-4 के आसपास पड़ जाती है, ठीक है। अब आप उसको देखिए अभी 500 रुपये तो वो आपको 3.5 हज़ार की चीज देगा। लाइसेंस जो होते हैं वो डिपेंड करता है, कुछ ओएमई लाइसेंस होते हैं जो ओईएम लाइसेंस होते हैं, जो जो उनकी रिपब्लिश सेंटर होते हैं ना वो सिर्फ उनको देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले जिन्होंने विंडो को डेवलप किया है। मतलब और कुछ ऐसे लाइसेंस होते हैं यहाँ पे एक की के द्वारा आप 10 सेशन को मैनेज कर सकते हो या 20 सेशन को मैनेज कर सकते हो, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो वो पायरेटेड देते हैं आपके लिए, आपका सिस्टम चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, लेकिन वो जब आप अपडेट या अपडेट करते हो ना तो प्रॉब्लम होगी। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी आप बता रहे हैं एक्टिवेटेड देंगे आप एक्टिविटी में क्या होता है सर? कुछ जो हैकर टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्टिवेशन प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं विंडो में, ठीक है। तो फिर वो जो एक्टिवेशन का टाइम देते हैं ना, जो डेडलाइन देते हैं 30 दिन तक आप यूज़ करोगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगी आपकी विंडो करप्ट होने के चांसेज होंगे, वो चीज़ नहीं होती क्योंकि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो एक डेडलाइन देते हैं विदाउट की आप यूज कर रहे हैं खत्म कर दी। इसका मतलब तो बिल्कुल वैसी होगी जैसी आपकी ओरिजिनल है, बिल्कुल आप कभी कभी तक यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। और एक्टिवेटेड विंडो भी वही 350 में पड़ती है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, जो एक्टिवेटेड विंडो आती है वो एक तरह से क्रैकफाइड होती है, जो हैकर्स वगैरह जो अपलोड कर देते हैं इन चीज़ों को तभी माइक्रोसॉफ्ट वाले। वो है क्या कोई लॉस वगैरह होता है या ऐसा कुछ होता है या माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको कुछ भी बोल सकते हैं? पहला सर अगर आप और वो पर्पज से पूरा करें माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर डिपेंड करता है, एक तो वो छोटे मोटे लोगों पे तो ध्यान देते नहीं, हाँ छोटे जो आपने बड़ी कंपनी है ना वो उन पर मैटर जो होम पर्पज़ के लिए उनको उतना देखते नहीं है, वो होम में कोई भी यूज़ कर देता है और मोस्टली सब यही यूज़ करते हैं, कोई परचेज नहीं करता है, जैसे सब परचेज करते हैं इनपुट दे दिया ठीक है, अगर की दे दी ठीक है, अदरवाइज पायलट यूज। और जो बड़ी कंपनीज हैं आपकी उनमें बहुत बड़ा और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? सेम चीज़ है, वैलिडेट नॉर्मल बोलते हैं हम और एक्टिवेट वही होती है कि पहले से ही एक्टिवेट दी जाती है, उसमें कोई वैलिडेशन या की वगैरह नहीं मानती, कोई नहीं मानी जाती, ठीक है। और भी जो मैं बूट प्रोसेस आपको बताया कि बॉम्बे पे जुर्माना पड़ चुका है अभी 2 साल पहले आईटी बॉम्बे सर वो तो हो गई, हाँ एसपीएसएस यूज कर गए थे तो 10 लाख का जुर्माना लगाया था आईटी बॉम्बे सर, वो तो ऑब्वियसली सर आप कोई चीज़ बना रहे एसपीएसएस को यूज कर रहे हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो और आप बना रहे हो, आपने मेहनत की, आपने भी लगाए,
लेकिन क्या होता है हैकर्स तो कुछ भी कर सकते हैं उस चीज की थोड़ी-थोड़ी जो प्रोग्रामिंग होती है उनको निकाल देते हैं वहां से एक्टिवेशन प्रोसेस को बाकी तो सेम काम करते हैं तो जब आप पायरेटेड को यूज कर देना तो उसमें क्या होता है कि जो अपडेट करते हो तो उनके दर्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं मतलब आपकी फाइल करंट हो तो वहां पे क्या करते हैं कि वो पहले से जब आपको सिस्टम देते हैं डेफिनेट करके वो ना अपडेट उसकी बंद कर देते हैं आपके पास में कोई फर्दर एसएमएल वहां से एप्लीकेशन को एक्सेस वगैरह नहीं आता है या आपके पास में ये ड्राइवर्स आपके नए आ गए इंस्टॉल करना चाहोगे ऐसा कुछ या फिर वो ये भी दे सकते हैं आपके पास में इंटीमेशन तो आ जाए कि ये जो अपडेट हुए हैं अभी बट इंस्टॉल करने से पहले आपको पूछे ठीक है तो ये विंडोज की सेटिंग्स होती है यहाँ पे पहले से डिफाइंड होते तीन चार ऑप्शन क्या क्या करना चाहते हो जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो जो अपडेट्स ऑटोमेटिक आए इंस्टॉल हो जाए आपको पता नहीं लगे सिस्टम ऑटोमेटिक करता रहेगा आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है ठीक है तो ये आपकी दो टाइप की विंडो होती है और एक ट्रायल बेस की विंडो होती है जिसमें आपको सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलता है और आप किसी भी कंपनी को कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि और आपने खुद दिया है ट्रायल बेस तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है अच्छा एक चीज जैसे हमने ओपन सोर्स से ये ओपन ऑफिस ले रखा है क्या विंडो भी ओपन सोर्स में मिल सकती है ये ओपन सोर्स से है नहीं माइक्रोसॉफ्ट के साइड से मिलेंगे बैक की साइड से आपको मिल जाएंगे मैं पूछ रहा हूं कि जब इतने सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं तो आई थिंक एक्चुअली विंडोज तो वैसे एक्चुअल जो प्रोसेस है वो माइक्रोसॉफ्ट से ही आता है पर क्या होता है कि मैंने बस इसका लिया आज विंडो मैंने अप्रूव कर दी क्योंकि मुझे भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत मुझे भी अच्छे लगेंगे तो वो चीज होती है ये तो है नहीं कि वो एक विंडो एक ही सिस्टम में काम करेगी जो ओरिजिनल विंडो होती है ना जो डीबी आती है माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करते हैं वो एक ही किसी पे काम करेगी वो डिपेंड करती है पैसे से भी नहीं पैसे किस टाइप पर हां वो तो है तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो होती है ना आप एक ही